और पूरा साथ देते थे क्रिमिनल्स को, जो कि आज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। निर्भया कांड में भी यही हुआ, जो एक जुबिनाई है वो आराम से खुलेआम घूम रहा है। तो यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की, जो क्रिमिनल होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिनके साथ क्राइम होता है उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो हमने लोगों को ये बताया कि हम आप लोगों में से अलग नहीं है, आप लोग जैसे ही हैं, और तेजाब हमारे चेहरे पे पड़ा है, हमारे सपनों पे नहीं। तो कोई भी तेजाब या कोई भी क्राइम आपके सपनों को तो नहीं मार सकता। तो मुझे भी जज ने बात कही थी कोर्ट के अंदर कि वो तो अभी भी तुमसे शादी करना चाहता है। जैसे जज ने पता नहीं क्या, जज का उसने क्या कर रखा हो, क्या हेल्प कर रखी हो। तो उस वक्त में जज ने मुझसे कहा कि वो आज भी आपसे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने जज को कहा कि उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाला है, दिल पे नहीं। कल भी ना थी, आज भी ना है और कल भी ना थी। लेकिन अगर आप देखें निर्भया आंदोलन से पहले, क्योंकि जो कानून आया है निर्भया आंदोलन के बाद ही आया 2013 में, जो कि आया 326 एक्ट ए और बी, उसमें 10 साल का पनिशमेंट। लेकिन 2013 से पहले क्या कोई जानता था एसिड अटैक वायलेंस को? सब जानते थे रेप वायलेंस को, डोमेस्टिक वायलेंस को, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एसिड अटैक वायलेंस भी होता है। जब होता था तो एक बार लाइव आ जाती थी ब्रेकिंग न्यूज़, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। किसी को नहीं पता होता था कि एसिड अटैक सर्वाइवर कहाँ है, किस हालातों में वो जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2013 से जब सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई, प्रीति राठी का केस हुआ था यहाँ पे बैंड्रा स्टेशन में, अगर आप लोगों को पता हो तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे मुंबई में आए थे 2013 में। ये इसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि एसिड अटैक हो रहा है, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगी हाँ एसिड अटैक हो रहा है। एसिड अटैक तब भी होते थे, लेकिन वो कभी भी किसी के नॉलेज में नहीं होते थे, उसमें FIR दर्ज नहीं होती। लेकिन आज के समय में सर्वाइवर अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ रही है, और मीडिया, मैं थैंक करूँगी मीडिया को इसलिए स्पेशली, क्योंकि आज के समय में आप लोगों ने, आपकी वजह से ही एसिड अटैक एक मुद्दा भी बन चुका है। और आज इस चेहरे को, क्योंकि सोसाइटी इस चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करती, लोग ये कहते थे कि ऐसा बना दिया था इस चेहरे को कि नहीं हम क्रिमिनल हैं, और जिन लोगों ने क्राइम किया है वो मासूम लोग हैं, उनके साथ लोग बड़े अच्छे से रहते थे, सपोर्ट करते थे और पूरा साथ देते थे क्रिमिनल्स को, जो कि आज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। निर्भया कांड में भी यही हुआ, जो एक जुबिनाई है वो आराम से खुलेआम घूम रहा है। तो यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की, जो क्रिमिनल होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिनके साथ क्राइम होता है उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो हमने लोगों को ये बताया कि हम आप लोगों में से अलग नहीं है, आप लोग जैसे ही हैं, और तेजाब हमारे चेहरे पे पड़ा है, हमारे सपनों पे नहीं। तो कोई भी तेजाब या कोई भी क्राइम आपके सपनों को तो नहीं मार सकता। तो मुझे भी जज ने बात कही थी कोर्ट के अंदर कि वो तो अभी भी तुमसे शादी करना चाहता है। जैसे जज ने पता नहीं क्या, जज का उसने क्या कर रखा हो, क्या हेल्प कर रखी हो। तो उस वक्त में जज ने मुझसे कहा कि वो आज भी आपसे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने जज को कहा कि उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाला है, दिल पे नहीं। कल भी ना थी, आज भी ना है और कल भी ना थी। तो सोसाइटी में अगर अपनी जगह बनानी है, जैसा आपने ये सॉन्ग में देखा कि आपको अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी होगी, तब आपको कोई सपोर्ट कर पाएगा। तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालोगे, ये नहीं बताओगे कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे, काफ़ी कम समय में बहुत कुछ कहना था, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये, अगर इस बारे में कुछ बताया? इस तरह के वीडियोस बहुत किए हैं स्टोरी बेस्ड, मैं मोस्टली स्टोरी बेस्ड ही करता हूँ, क्योंकि जितने भी डिस्को वाले वीडियोस हो, मुझे लगता है बहुत इजी है, कुछ करना नहीं, डांस मूवमेंट्स देना है, जीबी जीब घुमाना है। लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्ट था, और स्पेशल मैं बोलना चाहूँगा अमृता जी के लिए, क्योंकि वो बहुत बारीकी में देखती है। तो मैं जब उनको वीडियो भेजता हूँ तो 10 बार हम लोग के
करेक्शन चलते रहते हैं, ये मतलब बहुत सारी डिटेलिंग में वो देखती है। और एक्चुअली इसमें एक महीना लग गया इस वीडियो को। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर हैं, इनके अंदर हैं, बट कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा, और चाहे वो दिन हो या रात हो, कॉन्ग्रेचुलेशन अमृता जी, बहुत खुशी हुई कि आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। डोनल जो कि हम बहुत टाइम से, बहुत सालों से दोस्त हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस टॉपिक का हिस्सा बने। मुझे कभी नहीं सोचा था मैंने कि आप इसका हिस्सा भी बनेंगी। और आज विमेंस डे है, और पर लेकिन आज मैं इक्वालिटी डे मना रही हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो क्राइम है, अगर हम सिर्फ विमेंस के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे तो लड़कों के लिए कौन लड़ेगा लड़ाई? तो जो एक विमेंस के लिए बेचारी वाला जो बर्ताव है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। दूसरा ये कि आप विक्टिम बोल रहे थे, मैं इस वर्ड के एकदम खिलाफ हूँ, और क्योंकि हमें विक्टिमाइजेशन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना विक्टिम बनने का अधिकार है। जब मैंने खुद को बाहर निकाला था तो मैंने एक ही बात सोची थी कि ना मैं कभी विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी। और ये सारी चीज़ें अमृता जी, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आके इन सारी चीज़ों को बदल रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि मुझे, मैंने आपकी फाउंडेशन के बारे में सुना, क्योंकि आप इक्वालिटी पे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ एसिड अटैक सर्वाइवर गर्ल्स के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी काम कर रहे हैं मैंने देखा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि अटैक जब लड़कियों पे होते हैं तो लड़कों पे भी होते हैं, सारे जेंडर पे होते हैं। तो यही कहूँगी कि आज इक्वालिटी डे मनाए और इसको ऐसे ही बरकरार रखें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अंजू जी, मैं चाहूँगा कुछ पूछना बनता ही है। अच्छा, बात करना आपकी बनी है जो पूरे देश ने, प्रदेश में देखी है, मगर ये वीडियो जब आपने देखी तो आपका उस पर क्या रिएक्शन है? बिकॉज़ हम ये डिस्कस ना करें तो नहीं, मैंने जैसे अभी भी यही बात बताई थी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो छपाक हो, चाहे वो अमृता जी की मेहनत हो, राजीव जी की मेहनत हो, डोनल जी की मेहनत हो, सबकी एक मेहनत है, मीडिया की मेहनत है कि मीडिया आज हम लोगों के साथ में है। और आज हमारी आवाज़ बनी है मीडिया, और ये आवाज़ मुझे पता है बहुत बड़ी चेन बनेगी। और पता नहीं इस वीडियो के ज़रिए कौन सी ऐसी 10 सर्वाइवर, 20 सर्वाइवर होगी, क्या पता किसकी ज़िंदगी कब कैसे बदल जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, तो यहाँ से अगर जाए तो पॉजिटिविटी के साथ। मैं चाहूँगा मंच पे बुलाना संगमित्रा वारिया जी को, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, who is a NIFT topper 96 batch, क्या बात है, in fashion designing and also interior designer। क्योंकि मेरी दोस्त लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं आज, और finally I think the media was very very curious। पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है, करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर। तो फाइनली लक्ष्मी इज विथ अस। लक्ष्मी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया, नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस, और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है, एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड, एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें। थैंक यू दीपिका। टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी, और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से, लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई, और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फिल्म के रूप में बाहर आई। दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी, और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया,
और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने, और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. What was your first reaction जब आपको पता लगा that your story has been adapted and Deepika is playing your character? मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम. और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फर्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे, तो जैसे ही देखा मैंने कहा वाओ लक्ष्मी. ये था. और मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी, कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में, और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा. क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से, तब लगता है. तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है. सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका. मेरा सवाल लक्ष्मी से है. लक्ष्मी, इस गाने को सुनकर आप दो लाइनें कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि ये आपकी कहानी है. गाने में जैसे मैंने जब गाना भी सुना, सीरियसली मेरी आँख से जब से आंसू नहीं रुक रहे हैं, और मैं एक ही चीज़ फील कर रही थी जब से कि काश मेरे पापा यहाँ होते. तो काफ़ी अच्छा लगा, और थैंक यू मेघना मैम, थैंक यू सो मच. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है. ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी आपकी फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिला होगा, बट खास बात तो ये है कि इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने बिना कट किए कोई सीन पास किया है, तो आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है दीपिका मैम और मेघना मैम और विक्रांत सर. आई विल अलाउ मेघना मैम टू टेक दिस आंसर प्लीज. ये एक्चुअली छपाक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि इस फिल्म की परसेप्शन ऐसी होती है कि क्रूड होगी या ग्राफिक होगी या हैवी होगी, तो शायद बच्चों के लिए लायक ना हो या युवा लोगों के लिए लायक ना हो. लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया, जो आज तक मेरी किसी फिल्म को नहीं मिला है. सबको यूए मिला है विथ नो कट्स. ये पहली फिल्म है जिसको यू मिला है विथ नो कट्स, और इसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये कहानी जितनी दूर तक पहुँचे उतना ज़रूरी. नेचुरली हम सब बहुत खुश हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आपने कहा कि ना पसंद करने के लिए इस गाने में और इसके विजुअल्स में कुछ है नहीं. हम सब की उम्मीद ये है कि आप फिल्म के बारे में भी यही सोचेंगे. विक्रांत सर, मेघना जी, दीपिका, शंकर एहसान लॉय, सबके लिए सबसे पहले ये जो गाना था, इस गाने के बाद आप लोग इमोशनल हुए, हम सभी लोग गला चोक हो गया, और ऐसे लगा कि छपाक से बेहतर कोई शब्द ही नहीं हो सकता. एक शब्द में इतनी सारी बातें, इतना इमोशन, एक पूरी कहानी, एक पूरी ज़िंदगी. तो बहुत बहुत बधाई, और आई रियली विश कि ये गाना सब तक पहुँचे और बहुत सक्सेसफुल हो. दीपिका, ये गाना आपके लिए इमोशनल जर्नी है, क्योंकि लक्ष्मी कहानी कहीं ना कहीं मेरे लिए लक्ष्मी मालती और दीपिका एक शब्द हो गए हैं जब से मैंने प्रोमो देखा है. तो आपकी नज़रों में इस गाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एन एनेक्डोट. लास्ट कपल ऑफ डेज वी बीन स्पेंडिंग सो मच टाइम विद ईच अदर, एंड शी कॉल्स मी लक्ष्मी समटाइम्स एंड आई कॉल हर मालती समटाइम्स. इट जस्ट बिकम लाइक वन. सॉरी, आपका सवाल क्या था? ये तीनों शब्द लक्ष्मी, मालती, दीपिका एक किरदार हो गए हैं जब से पहला ट्रेलर का आपने अनाउंसमेंट किया. मैंने अपने रिव्यू में
मालती अग्रवाल कह दिया था मेरे दो बार कैरेक्टर का नाम है एक्चुअली मालती अग्रवाल कैरेक्टर का नाम मतलब वो लक्ष्मी तो मिक्स हो गया तो आपके लिए ये गाना आपके लिए गाना और गाने के इमोशंस कहानी के लिए किस तरह चूंकि गाने का लॉन्च है तो गाना कहानी के इमोशंस से मिलता जुलता और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी यही कि एक्चुअली मैं और एक एनेक्डोट एक शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल पहले कुछ और ही था इट वॉज गंधक गंधक एंड आई थिंक ड्यूरिंग द प्रोसेस मेघना मैम ने डिसाइड किया कि हमको ये मेघना मैम कौन है मेघना गुलजार जी इस टाइटल को चेंज करना चाहते थे और उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन एंड आई सेड क्यों चेंज करना चाहते हो मतलब गंधक मतलब सबको पता चलेगा कि क्या है सबको समझ आएगी एंड शी सेड यू नो आई वॉन्ट द टाइटल ऑफ द मूवी आई वॉन्ट टू यूज द टाइटल ऑफ द मूवी इन अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग बिकम्स द सोल ऑफ द सॉन्ग इट बिकम्स द थ्रेड इट बिकम्स द ओवर आर्चिंग थीम दैट काइंड ऑफ जस्ट बाइंड्स द होल फिल्म टुगेदर एंड छपाक ऑनेस्टली इफ आई मे बी ऑनेस्ट आई डिडंट हैव फेथ इन द टाइटल व्हेन वी और इनको ये पता है आई वॉज लाइक हाँ ओके या वट एवर आई मीन यू आर द डायरेक्टर यू डिसाइड बट आई थिंक इट ग्रू ऑन मी इवेंचुअली एंड टुडे आई कैन सी हर विजन टुडे आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ऐसे क्यों सोच रही थी और क्यों चाहती थी वो शब्द बस आई थिंक फॉर योर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आई थिंक जैसे मैंने कहा If Lakshmi calls me Lakshmi or if I call my character Malati and most important cheez ye hai ki pehle din jab hum set pe the and Lakshmi came to the shoot and she walked in aur main bahut nervous thi kyunki ek actor ke liye I think the person that you're playing on screen unka validation milna bahut zaruri hai audience ka to in this context audience ka validation secondary hota hai sabse pehle ye hota hai ki jisko aap पर्दे पर आप निभा रहे हो आई थिंक देयर हर वैलिडेशन फॉर मी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आई सेट पे एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड माई गॉड यू लुक एग्जैक्टली लाइक मी एंड आई फील लाइक आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद को देख रही हूँ एक एक्टर के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन हो ही नहीं सकता तो या आई एक्चुअली जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग टॉकिंग अबाउट द टाइटल ऑफ द फिल्म मैंने बहुत मुश्किल लफ्ज़ दिए हैं पापा को कि अब आप ये लीजिए और ये गाने में आना चाहिए और छपाक भी एक और ऐसा लफ्ज़ था डू यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ मतलब आसान काम तो वैसे भी आपने कभी नहीं दिया एक और खुद भी कोई आसान काम किया नहीं आपने जो काम किए हैं वो मुश्किल काम ही किए हैं पहले भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी कि छपाक का जो इम्पैक्ट है मैंने बिल्कुल यही कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है मैं उसके बारे में आपको लाइन देता हूँ वो लाइन जैसे वो तो ज़रूर देंगे आप और ज़रूरी चाहिए लेकिन आप कुछ छपाक इस्तेमाल करना है तो मैं छपाक मेरे मीटर में नहीं आता कह लेंगे वो शंकर के मीटर में आ जाएगा आप शंकर को दे दीजिए एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड एंड शंकर सेड आई विल फिट इन आप मुझे बाकी लाइन बनाए के वो बताइए एंड दैट इज़ हाउ वी हैड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड ऑल आई हैड टू डू इज कि मैं वो उतनी स्पेस लाइन में दे दूँ जिसमें वो छपाक बोल सकें तो लेकिन जिस तरह से छपाक इस्तेमाल हुआ उसके बाद वाकई मुझे भी लगा कि एक तो अनयूजुअल टाइटल तो है ही बहुत खैर आम नहीं है आम तरह का लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ जो एक एक साउंड का इफ़ेक्ट आता है साथ में कि सिर्फ एक साउंड सिर्फ एक आवाज़ भी अपने आप में गाना मुकम्मल कर सकते हैं दैट इज़ शंकर टीम छपाक Congratulations, a big congratulations. This is Simran Singh here from First Post. First of all, congratulations. ऐसा होता है कि ट्रेलर और गाने देखने के बाद वन नीड्स टू क्लैप मतलब ऐसा लगता है कि खुशी से यहाँ वी आर मूव्ड बट वी कांट क्लैप बिकॉज इट इज सो मूविंग जस्ट एज राइटली सेड बाय गुलजार साहब इट्स अ मूवमेंट सो मेरा सवाल पहले लक्ष्मी जी आपसे है हेलो ऑल गुलजार साहब गुलजार साहब आदाब आपका मुझे माई नेम इज आतिका फारूकी आई एम हियर फ्रॉम कलर्स आपका ये जो गाना मैंने देखा तो मुझे आपकी पहली फिल्म बंदनी का वो गाना याद आ गया जो आपने लिखा था
कि मोरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के 60 साल हमें दिए फिल्मों के ज़रिए। और इन 60 सालों में जब ऐसी फिल्में बन रही थी जिसमें नायिका की खूबसूरती की बात हो रही थी, आपने उनकी कभी कभी ज़िंदगी की जो बदसूरतियाँ हैं उनके बारे में बात की। मौसम फिल्मों में आपने सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की, आंधी फिल्म में आपने उन औरतों के बारे में बात की जिन्हें समाज में सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल पॉलिटी का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ महज एक औरत हैं। इंग्लिश में कहावत है, हैंडसम इज़ हु हैंडसम डज। लेकिन जब औरतों की बात आती है फिल्मों में, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर विजय ऑल्सो कि फॉक्स स्टार ने एक ऐसी फिल्म को इस लायक समझा कि ये बड़े पैमाने पे कमर्शियली इसको रिलीज़ किया जाए। गुलजार साहब, जब फिल्मों में औरतों की बात आती है तो उनका चेहरा कैसा दिखता है, और उनका चेहरा और खूबसूरत होके ही दिखाया जाना चाहिए पर्दे पर, इस पर हमेशा एक जोर रहता है। आज के तारीख में जब वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी बहुत सी आम औरतों की कहानियाँ पर्दे पर आती हैं जिनके चेहरे बड़े आम हैं, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसे चेहरे हमको नहीं दिखते जैसे नूतन के होते थे, नरगिस का जो चेहरा होता था एक आम सा चेहरा। हमारी इंडस्ट्री या हम लोग आज भी फिल्में देखने वाले बनाने वाले खूबसूरती पे इतना फिक्सेटेड क्यों हैं? आपने 60 साल देखे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, और मैं अपने चैट शो के ज़रिए आपसे इसी टॉपिक पर और बात करना चाहूँगी। लेकिन ये खूबसूरती से क्या ऑब्सेशन है सिनेमा का? आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया, मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं कहता अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछती कि आप औरत की जर्नी, औरत के सफ़र को अपने शुरुआत से मुरागोरा अंगलेले से लेके छपाक तक कैसे देखते हैं, तो मैं ये सारे जवाब देता जो आपने कहे और मैं उनके साथ साथ चलता रहा हूँ। और ये सही है कि मैं अपनी फिल्मों के दौर में भी और लिखने के दौर में भी, अगर आप शुरू से देखें तो मेरी फिल्में कहीं ना कहीं वो स्त्री के लिए हैं, वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, वही सेंट्रल कैरेक्टर्स मेरी सारी फिल्मों में वो रहे हैं। बल्कि हरि भाई संजीव शिकायत किया करते थे कि हर बात तुम कहते हो कि ये मेरी फिल्म है, ये निकलती हीरोइन की, एक बार आंधी में निकल आई उसमें तरफ से खुशबू में निकल आई। इन्हें कोई फीमेल ओरिएंटेड डायरेक्टर नहीं बोलता, लेकिन क्यों? क्या जी? सॉरी टू डाइग्रेस। हाँ जी प्लीज। बहरहाल तो अब ये कहूँ कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है और उनके साथ चल रहा हूँ, या उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी कि जरा मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ। और मैं उनकी दास्तान बड़े गौर से सुनता चला आया हूँ, और शुक्र है कि मैं लक्ष्मी तक अभी तक सही तौर पे सफ़र करता हुआ आया हूँ। मोरा गोरा अंग लेले से मेरा चेहरा उड़ा के चला गया, मिटा के चला गया, वहाँ तक आया हूँ। तो मेरा ख्याल है आपसे दाद चाहिए इस समय। Hi, hi Deepika, Neeru here. Hi. Actually, my question is for Gulzar sahab. You know, हम सबको पता है कि बेटियाँ जो हैं वो blessings होती हैं, और जब वो कुछ अचीव करती हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो दर्द से गुजरती हैं तो माँ बाप को उतनी ही तकलीफ़ होती है। जब आप लिख रहे थे ये गाना, क्या आप उस दर्द को महसूस कर पाए जब बेटी ने आपको दिया था एक तरफ, और दूसरी तरफ एक बेटी की कहानी थी? समझा नहीं सवाल है, जरा एक दफा मैं आप समझिए सवाल। किसका दर्द महसूस किया? बेटियों का। बेटियों का जी हाँ जी। वो दर्द बेटियों के बारे में जरा सा आदमी ज्यादा कंसर्न रहता है बेटों से, कि बेटों का अक्सर लगता है जिस तरह से समाज हमारा चला है वो अपने आप को संभाल लेंगे, बेटियों को कौन संभालेगा, मेरी बेटियों को कौन, उनकी हिफाजत रह ज़्यादा करता हूँ मैं, ज़्यादा ही कंसर्न रहा हूँ। और मेरी तो एक ही एक बेटी थी, जाहिर है कि सारा नहीं, अभी सारा आपकी तीन हैं स्टेज पे, अब बहुत सी हैं, अब तो आप भी उनमें शामिल हैं, अब तो बहुत सी हैं। लेकिन ये कि ये बेटियाँ अब आगे आ गई हैं, वो बड़ी तसल्ली हुई है कि वो अब मुझे उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे संभाल रही हैं वो बेटियाँ, वो समाज में कंधा मिला के लड़कों के साथ रोल
प्ले कर रही हैं. आज फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ कहीं कोई टेक्नीशियन एक लड़की नहीं मिलती थी, सिवाय कहीं हेयर ड्रेसर में अगर नज़र आ जाए, वरना आज टुडे दे आर डायरेक्टर, दे आर राइटर्स, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर और मेन कैरेक्टर्स लड़कियाँ कर रही हैं. आई थिंक इट्स अ बिग प्रोसेस. आज वो बेटी या वो माँ जिससे हम बात किया करते थे, वो अधूरी सी इंग्लिश में तेरी गर्ल फ्रेंड आई थी, तेरी फोर, वो सही अंग्रेजी बोलती हैं और कारें चलाती हैं और काम करती हैं. वरना हमारे यहाँ हीरोइन को सिर्फ रख दिया जाता था और घुमाया जाता था और गानों में इस्तेमाल किया जाता था. आज वो नहीं है. ये बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ा सफ़र है और बहुत आगे आया है. टुडे दे आर लीडिंग एंड इसलिए उन बेटियों का कंसर्न है. दर्द कम हो गया है लेकिन जाती दर्द ख़त्म नहीं हुए. ये समाज के दर्द हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, जो उनका सेट ऑफ माइंड, जो माइंडसेट है, जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बेटी को इस तरह से देखो, इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से बड़ा करो. और ये छपाक जिस तरह से आपने देखी है, मैं कहूँ अगर आपसे इजाज़त हो तो आपको अर्ज़ करूँ ये कि ये जो जिसे मैं तहरीक कह रहा था, मूवमेंट कह रहा था, ये मूवमेंट अब आपकी है. आपको पहुंचाना है और देखना है कि आपके वतन में, आपके देश में लड़की की पोजीशन सामने और आगाही में नज़र आनी चाहिए. मैं यहाँ एक तो इन तीन लड़कियों का मद्दा हो गया, बहुत बड़ा एडमायर करने की ज़रूरत है. इन तीन लड़कियों ने बड़े कमाल किया है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली एक फिल्म नज़र नहीं आ रही है, ये पूरी की पूरी एक उर्दू में कहते हैं तहरीक है, अंग्रेज़ी में कहते हैं मूवमेंट. इट्स अ मूवमेंट इन द सोसाइटी. और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो तीन प्रोड्यूसरों के नाम लिखे हैं, ये तीनों भी कमाल हैं, जिसमें मैं विजय जी शामिल हैं और गोविंद इस वक्त नहीं है हमारे साथ, एहसान नहीं है, लेकिन एक और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं जिसने इन तीनों की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये इरादा किया कि नहीं ये बात कहनी है. ये सिर्फ खेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये कोई बात है जो उन्हें कहनी है, जिन्हें समाज को कहनी है, लोगों से कहनी है और पहुंचानी है ये बात वहाँ तक. इन तीनों की बड़ी हिम्मत है इसमें. और परफॉर्मर्स आप जानते हैं, एंड लक्ष्मी जहाँ से कि ये रोशनी उगी, ये पैदा हुई. और शुक्र है कि बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कहा मेघना ने अभी कि इसमें कहाँ गुंजाइश थी म्यूज़िक की या गाने की. नहीं, ये म्यूज़िक ज़िंदगी का म्यूज़िक है जो बहुत ज़्यादा अहम है. उस म्यूज़िक से, उस संगीत को जो आप रोज़ सुनते हैं, ज़िंदगी का संगीत है. इट हैज़ टू विन फाइनली. ये यहीं पे आके विक्ट्री है. एंड थैंक्स टू लक्ष्मी वंस अगेन फॉर दैट, कि ये उसकी मुस्कुराहट से पैदा हुई है ये रोशनी और चली आई है, समाज तक गई है, जो बहुत ही ज़रूरी है. बस इतनी सी ही बात है जो मेरा ख्याल है बहुत खूबी से कही है. और शंकर, एहसान, लॉय, इन लोगों ने तो रिदम दे दिया ज़िंदगी को, उसी ज़िंदगी को जो हमें एक जगह लगा कि सुकड़ गई या बंद हो गई या मुट्ठी में हो गई या जो छपाक से जला दी किसी ने, उसको एक तहरीक बना दिया, एक मूवमेंट बना दी. बहुत बहुत शुक्रिया.